हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप लैक्टोकैलामाइन लोशन को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के अंदर जो है इंक्लूड किए हैं कि इसको अलग अलग तरह से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसको यूज़ करने के। एंड अगर आपको नहीं पता, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने एक वीडियो में अपना एवरीडे जो है मेकअप लुक इसके साथ जो है शेयर किया है, एज अ बेस मैंने इसको यूज़ किया है। एंड जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने इन डेप्थ रिव्यूज़ के बारे में दिया है, जिसमें मैंने ड्राई स्किन, ऑयली स्किन वाले पर्सन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोगों के लिए कौन सा वाला जो है लैक्टोकैलामाइन लोशन अच्छा रहेगा। तो लैक्टोकैलामाइन लोशन के ऊपर मैंने दो ऑलरेडी वीडियोस जो है अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उन दोनों वीडियोस का, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लैक्टोकैलामाइन लोशन के टॉप यूजेस बताऊँगी कि उसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर में। एंड अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो या वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में। तो पहला यूज़ है, इसको एज अ प्राइमर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। ऑयल सेक्रेशन करने में, मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है ऑयल को, एंड हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लैक्टोकैलामाइन लोशन लेके अपने मेकअप से पहले जस्ट फेस पर थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है, तो इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ किया जा सकता है। तो सेकेंड यूज़ है यहाँ पर, इसको आप एज अ बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास फाउंडेशन होता है बट हमें नहीं मन कर रहा होता फाउंडेशन को लगाने का, रोज़ कहीं बाहर जाना है तो हमें बस क्या करना है, जस्ट फाउंडेशन को थोड़ा सा लेना है थोड़ी सी क्वांटिटी में, एंड ज़रा सा उसके अंदर लैक्टोकैलामाइन लोशन को हमें मिला देना है एंड डॉट करके अपने फेस पर, नेक पर, जैसे कि आप यूजुअल प्लेसेस पर अपने फाउंडेशन या कोई क्रीम लगाते हैं उसी फॉर्म में आपको बस वो लगा के एंड अपने फेस पर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हैंड्स की हेल्प से। एंड इससे क्या होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा फाउंडेशन भी मिलाया है तो फेस को एक अच्छा सा कवरेज भी मिलेगा, तो ये आपका एक इंस्टेंट DIY बीबी क्रीम मिल जाएगा आपको लैक्टोकैलामाइन लोशन की हेल्प से, जो कि आपको फेस पर एक अच्छा सा ग्लो भी देगा। नेक्स्ट, इसका एवरीडे मेकअप बेस की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो लैक्टोकैलामाइन लोशन से आप एवरीडे मेकअप लुक भी क्रिएट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो मेक श्योर आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। अगला यूज़ है, इसको नाइट क्रीम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास नाइट क्रीम नहीं है। बस क्या करना है, आपको विटामिन ई का कैप्सूल लेना है जो कि ईवियन का आपको कहीं भी केमिस्ट स्टोर पे, जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। एंड एक जो ईवियन का कैप्सूल होता है उसमें से आपको विटामिन ई ऑयल जो है निकालना है पोक करके, एंड जस्ट उसके अंदर ज़रा सी क्वान्टिटी में आपको लैक्टोकैलामाइन लोशन ऐड कर लेना है एंड उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अपने फेस पर लगा लेना है अच्छे से। एंड इसको लगाने से आप देखेंगे, आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका फेस आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है ग्लोई फेस आपको लगेगा। जस्ट ये दोनों चीज़ आपको रेगुलर यूज़ करनी है, एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत इम्प्रूव करेगा। इन दोनों चीज़ को लगा के जस्ट आपको सो जाना है और कुछ नहीं करना, एंड मॉर्निंग में आप फ़र्क खुद देखेंगे। तो नेक्स्ट यूज़ है इसका, पिंपल और एक्ने के केस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसे इस तरह से कोई भी पिंपल वगैरह हमारे फेस पर हो जाते हैं, एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, तो जस्ट आपको बस डॉट मोशन में वहाँ पर उसको लगा के छोड़ देना है, उस चीज़ को आपको रब नहीं करना। अगर एक्ने या पिंपल पे आप इसे लगा रहे हैं, एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट आप इसको यूज़ करें, तो जस्ट वहाँ पर आपको लगा के इसको छोड़ देना है एंड 3-4 घंटे के लिए आपको इसको इस तरीके से छोड़ना है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो चीज़ आपकी रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट यूज़ है इसका, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन में ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लैक्टोकैलामाइन लोशन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है, जैसे फेस पर, माउथ के आसपास कोई पिगमेंटेड एरिया आपका हो जाता है, काले धब्बे जिसको आप बोलते हैं, तो उस केस में आपको बस क्या करना है, एक थिक लेयर जो है उसको अप्लाई करना है जहाँ जहाँ भी आपका इफेक्टेड एरिया है, जैसे माउथ के अराउंड या फिर अंडर आइज, आपके डार्क सर्कल्स भी हैं वो भी स्पॉट्स के अंदर भी आते हैं, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर एक कैलिन कंपाउंड होता है जो कि डार्क स्पॉट और ब्लैमिशेस और पिगमेंटेशन को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसकी थिक लेयर लगाकर आपको 4-5 आवर्स के लिए छोड़ देना है, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए। लैक्टोकैलामाइन लोशन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये इंसेक्ट बाइट, बर्न्स या रैशेस को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो लाइक जैसे मैं यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी फिंगर इस टाइम थोड़ा सा जल गया था, ये मुझे यहाँ पर बर्न हो गया है, तो इस केस में ये मुझे बहुत ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन दे रहा है जब मैं इसको अपनी स्किन पर अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरीके की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
अक्सर धूप में बाहर रहने से हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा सनबर्न हो जाता है या फिर स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, तो उस केस में लैक्टोकैलामाइन लोशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। इसमें जिंक ऑक्साइड होता है, कार्बोनेट्स होते हैं, तो जो कि जो सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसे बस हमें अपने अफेक्टेड एरियाज जहाँ पर भी हमें सनबर्न मेनली हमारे हैंड्स पर या शोल्डर्स वगैरह पर ही होता है, जो ओपन एरियाज होते हैं, एक्सपोज होते हैं जो सनलाइट में, वहाँ पर आपको जस्ट इसको अप्लाई करना है दिन में 2 से 3 बार, एंड आप देखेंगे जो आपकी सनबर्न की प्रॉब्लम है वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती चले जाएगी। इस वीडियो में आपको सारे यूज़र्स बताए हैं कि इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में, एंड ये काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जितना मैं इंक्लूड कर सकती थी इस वीडियो में, जितना मुझे लगा कि ज़रूरी है, मैंने वो चीज़ें जो है सारी लगभग जो है मेंशन की हैं अपनी वीडियो में। सो या दैट्स इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ जिसके भी साथ आप करना चाहते हैं, एंड कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी जो भी आपका सजेशन है आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ, तो मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।